ले लीजिए। देखिए आज हम क्या क्या करेंगे। रेकी लेवल टू में सबसे बड़ी बात, आज आपको अनटच हीलिंग सीखना है। मैं आज आपको अनटच हीलिंग कराऊंगा। और एक बात, अनटच हीलिंग क्यों? क्योंकि अब जब तक आप अभी तक हील कर रहे थे, आप किसी को टच करके कर रहे थे, आज के बाद आप 2 इंच की दूरी से किसी को भी हील कर सकते हो। टच करने की जरूरत नहीं है, अनटच हीलिंग। नंबर टू, आपको सिंबल्स सिखाए जाएंगे। आज मैं आपको सिंबल सिखाऊंगा तो क्या क्या सिंबल्स है और सिंबल्स का क्या क्या यूज है। नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस हीलिंग। जैसे अभी आपने बताया कि सर आपको फीलिंग्स देते हैं, और शायद उस दिन सेशन था ना, तो उस दिन भी मुझे बहुत आप चार्जर कर रहे थे। हां, तो हम लोगों ने फीलिंग समझ ली, फर्क पड़ रहा था, एकदम फ्लो जोर ज्यादा हो रही थी, फ्लो हो रहा था। इसलिए आप लोग के, इसलिए मैंने नेहा को बोला, नेहा को बोला कि मम्मी है ना, तो हम मम्मी को बोलो बैठ जाए, हम यहां से डिस्टेंस हीलिंग का एक नमूना निकालते हैं। हाँ नहीं, वो जरूरी है, क्योंकि वो आप रिस्पॉन्स करोगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मम्मी को रेकी मिला करके डिस्टेंस हीलिंग। नंबर फोर, आपने अब तक अपने आप को फिजिकल लेवल पर हील किया था, आज आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर हील करोगे। अब इमोशनल का मतलब क्या? भावनात्मक। भावनात्मक का मतलब देखिए, इमोशनल और भावनात्मक का टिपिकल मतलब, चाहे बंदा कितनी भी बार इमोशन और भावनात्मक बोल दे, उसको समझ में नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है? इमोशनल हीलिंग का मतलब, कभी हम बहुत ग्रीफ दुख महसूस करते हैं, कभी हमें ज्यादा शर्म आती रहती है, या हमें लगता है कोई मुझे लव नहीं करता, किसी मेरी कोई अहमियत नहीं, ये जो चीज है उसको हील करने का काम इस लेवल पे होगा। मेंटल लेवल पर, मानसिकता आपकी हील करेगा। ये आपका आज से, आज रेकी से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हील करना भी सीखेंगे। फ्यूचर हील करने का मतलब, आपकी कोई मीटिंग है फ्यूचर में, कोई इवेंट है, घर में शादी है, शादी अच्छी से हो जाए तो उसको भी हील कर सकते हैं। पिकनिक पे जाना है, मेरी फ्लाइट, मुझे फ्लाइट से जाना है। अब किसी को यूएस कनाडा जाना होता है तो 24-25 घंटे की फ्लाइट होती है, तो फ्लाइट कंफर्टेबल निकल जाए, स्ट्रेस हो जाता है फ्लाइट में ट्रैवल करने का, तो वो भी अभी से पर्सन जो है वो फ्यूचर की हीलिंग यहाँ बैठे बैठे कर सकता है। आपका कोई लाइफ का कोई गोल है तो आप गोल भी हील कर सकते हो आज के बाद। इसके अलावा आप लास्ट फर्स्ट लेवल पे आपने जो हीलिंग सीखी, उससे आपका रूट चक्र और सेक्रल चक्र हील हुआ था। आज हम सोलार प्लेक्सिस और हार्ट चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और सोलार प्लेक्सिस पे ज्यादा पता चलता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का सोलार प्लेक्सिस खराब ही होता है, क्योंकि हम खाते कुछ भी है, पर आज हाइब्रिड खाना आ गया है, तो सोलार प्लेक्सिस किसी का 100% अच्छा होता नहीं, तो उसमें ऑलवेज हीलिंग की जरूरत पड़ती है। बट हार्ट चक्र, ये तो आज आप भी महसूस करेंगे, मैं आपके हार्ट चक्र से इनके हार्ट चक्र में रेकी फ्लो करवाऊंगा, आपके हार्ट चक्र से इनके हार्ट चक्र में रेकी फ्लो करवाऊंगा। और आज के बाद आपका जो रेकी पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, और रेकी पावर और बढ़ता रहे उसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन भी कराऊंगा, इसका नाम है हेड शुड यो हो, एक जापनीज टेक्निक है, जिसके जरिए आप अगर ये मेडिटेशन रोज करते हो तो आपका रेकी पावर और भी बढ़ेगा और आपका हार्ट चक्र और भी खुलेगा। और इस मेडिटेशन से आप जिस जगह पर बैठ के आप मेडिटेशन करोगे वो पूरी जगह को ये ऑटोमेटिकली हील करेगा, मतलब आपको फिर स्पेशल हीलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये हीलिंग जो है ना, वो आपके हाथों के चक्रों से रेकी फ्लो होकर नहीं होगी, आपके हार्ट चक्र से रेकी फ्लो होगी और पूरे घर को वो हील करेगा, पूरा सराउंडिंग वो हील करेगा, वो भी आप महसूस करोगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको महसूस करवाते रहेगा। और आज के बाद आप आपकी प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी आप लिख सकते हो रेकी प्रैक्टिशनर, आप प्रोफेशनली काम कर सकते हो प्रोफेशनली, क्योंकि आपके पास सिंबल्स है।
मतलब आप बिंदास फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो कि आई एम रेकी प्रैक्टिशनर करके। इसलिए रेकी प्रैक्टिशनर बनने के लिए सेकंड लेवल तक आना जरूरी है, पर यहाँ चार चक्र तक है, हार्ट चक्र तक, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र के लिए आपको थर्ड लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी और इसकी बात होती है, थर्ड आई चक्र की और क्राउन चक्र की, तो स्पिरिचुअलिटी आती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऐश्वर्य होगा, उतना आपको वहां पर फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा आपको। इवन जब 21 डेज तो मिनिमम चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक में डाउसिंग करूंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आज इवनिंग को मैं जा रहा हूँ बाहर वर्कशॉप के लिए, बाहर जा रहा हूँ सेमिनार वर्कशॉप के लिए, मैं आऊंगा संडे, तो इसलिए फ्राइडे का मैंने थर्सडे का करवाया करके, और इसलिए 10 बजे का इसलिए रखा कि सुबह सवेरे करने में मजा भी आता है, सुबह जब आते हैं ना सेकंड डिग्री वगैरह।